देश का आम बजट 2024 से 25 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा में पेश कर रही है। वही सरकार ने इंफ्रा, युवा, किसान, महिला, ग्रामीण विकास, शिक्षा पर विशेष फोकस किया है। जब बजट में महिलाओं के लिए 3,00,000 करोड़ की मदद का ये ऐलान किया गया तो वहीं युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। तो आइए जानते हैं इस बजट में किसको कितना मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा किया है कि महिलाओं के विकास के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। इस आम बजट में स्किल प्रशिक्षण को लेकर भी अलग अलग योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए MSME के तहत कई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा मौजूदा सरकार में सहयोगी दलों के राज्यों को भी मोदी सरकार ने खुलकर पैसा दिया है। आंध्र प्रदेश और बिहार में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बता दें कि निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री के तौर पर 7वीं बार बजट पेश कर रही है, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। इस बार के आम बजट को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारामन ने अपने भाषण में कहा कि वह निर्माण क्षेत्र में MSMI के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी। 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2024 से 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30,00,000 युवाओं को 1 महीने का PF योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। वही इस बजट में युवाओं व स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ है। बजट में जहां शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वह स्टूडेंट्स को सस्ते लोन की पेशकश की गई है। स्टूडेंट्स को मॉडल स्किल लोन देने की बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार हर साल 1,00,000 छात्रों को सीधे ई वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी होगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से 25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान भी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में बताया कि आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी। इससे काफ़ी संख्या में युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थानीय संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10,00,000 रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 6,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा।